एवं औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने आज खाद्य और औषधि विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में मिठाइयों में मिलावट न हो, इस ओर खास ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही शिंगणे बोले कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसका भी ध्यान रखने की दोनों विभागों की जिम्मेदारी है। दूध, तेल, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। ये कार्य समाज के असामाजिक तत्व द्वारा किया जा रहा है, इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग के नागपुर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस समय उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा त्योहार के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यह इस समय विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जालसाजों को पकड़ा जाए, इसलिए विभाग का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और समाचारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए। नागपुर मंडल में इस तरह की कार्रवाइयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और इसलिए सभी अधिकारियों को समीक्षा बैठक में अगले महीने की योजना बनाने का निर्देश दिया। एफडीए यानी अन्न व औषध प्रशासन विभाग के माध्यम से एक नागपुर रीजन की बैठक मैंने यहाँ बुलाई थी। हमारे यहाँ साधारणतः गणपति से लेकर दिवाली तक बहुत प्रकार के सन और उत्सव हमारे इधर आते रहे और इस दरमियान बाजार में तरह तरह के और अनेक प्रकार की मिठाई हो, खाद्य पदार्थ हो, पैकिंग फूड्स हो, वो आते रहते हैं। ये सब मिठाई, पैकिंग फूड और बाकी जो खाने में आने वाली चीज़ें हैं वो लोगों को अच्छी तरह से मिले, उसमें भेसल ना हो, वो शुद्ध हो, और इसके लिए हमारे विभाग के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने हर एक जिले में, जैसे नागपुर रीजन में नागपुर है, भंडारा है, गोंदिया है, वर्धा है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो सारे जिले यहाँ आते हैं वो हर एक जिले में उनके एक बैठक सभी उत्पादकों की उन्होंने लेनी चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए और सर्वसामान्य जो जनता है उनको अच्छी से अच्छी मिठाई और खाद्य पदार्थ मिले, इसलिए अच्छी से अच्छी कार्रवाई उन्होंने करनी चाहिए, ऐसे निर्देश मैंने आज की मीटिंग के दौरान दिए। साथ ही इस दौरान शिंगणे द्वारा यह भी कहा गया कि नागपुर मंडल में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग में काफी वृद्धि हुई है और ऑक्सीजन भंडारण और इसकी आसान नियमित आपूर्ति पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति और इसके लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे के बारे में भी जानकारी ली। राज्य सरकार ने इस संबंध में भंडारण का फॉर्मूला तय किया है और उसी के अनुसार हर जिले में भंडारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से काम किया जाएगा। ही गोष्ट खरी आहे की अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे। मागच्या काळामध्ये आमचा अन्न विभाग असेल किंवा औषध विभाग असेल या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ही पदं त्या ठिकाणी खाली होती। विशेषतः आमचे महाराष्ट्रामध्ये नागपूर असेल, औरंगाबाद आणि मुंबई या ठिकाणी आमच्या 3 लॅबोरेटरीसुद्धा आहेत आणि त्यातल्यात नागपूरला सुद्धा लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा जे आम्ही नमुने पाठवतो तिथे त्याची तपासणी होते, तिथेसुद्धा आमचे लोक त्या ठिकाणी कमी आहेत, ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी आहे। साधारणतः 1 वर्षापूर्वी आमच्या विभागातील ही सर्व पदं भरण्याच्या संदर्भात माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती, त्याच्यामध्ये निर्देश दिले होते आणि त्या संदर्भातला एक JRसुद्धा त्या ठिकाणी काढला होता। ती प्रक्रिया आमची त्या ठिकाणी चालू आहे। मध्यंतरीच्या काळामध्ये मराठा आरक्षण असतील, OBC आरक्षण असतील, या आरक्षणामुळं थोडीशी आमची ही पदं भरण्याची प्रक्रिया थोडीशी तिला थोडा ब्रेक लागलेला होता। नागपूर में कोरोना लहर के दौरान अवैध रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक को जब्त कर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि संभाग के अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई को बढ़ाने की जरूरत है। औषध प्रशासन विभाग त्यातला महत्त्वाचा म्हणजे औषधी विभागाच्या माध्यमातून मागच्या काळामध्ये आपण कोरोनाच्या काळामध्ये साधारण ऑक्सिजन असेल आणि रेमडेसिविर या दोन गोष्टीवर लक्ष त्या ठिकाणी केंद्रित केलं होतं। दुसरी लाट आता संपलेली आहे किंवा काय मला याबद्दल सांगता येणार नाही, पण तिसरी लाट जर त्या संदर्भात आली तर त्या संदर्भात केंद्र शासनाने महाराष्ट्र सरकारला त्या ठिकाणी काही गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत आणि या गाईडलाईनला अनुकरून दुसऱ्या लाटेमध्ये हायेस्ट असलेल्या पेशंटच्या 1.5 पटीचं पेशंटचं त्या ठिकाणी तुम्हाला पुढच्या काळामध्ये त्या संदर्भातलं
व्यवस्था त्या ठिकाणी करावं लागेल अशा प्रकारचे निर्देश केंद्र सरकारचे त्या ठिकाणी आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या बाबतीमध्ये तर आज जवळपास 3-4 पट इंजेक्शन आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, त्याचा आजचा तरी तुटवडा नाही आहे. या संदर्भात रेमडेसिवीर बनवणाऱ्या ज्या 6-7 कंपन्या आहेत या कंपन्यांशीसुद्धा आमचा विभाग हा सातत्यानं त्या ठिकाणी संपर्कात असतो. साथ ही उन्होंने म्यूक्रोमाइकोसिस और अन्य बीमारियों के लिए आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की. उन्होंने उचित योजना बनाने का सुझाव दिया ताकि नागपुर मंडल में दवाओं की कमी न हो. उन्होंने 6 जिलों भंडारा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर और वर्धा गढ़चिरौली में खाद्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या की समीक्षा की. उन्होंने सभी बैठकों को अगले सप्ताह पूरा करने का निर्देश दिया क्योंकि यह पाया गया कि कुछ जगहों पर कोई बैठक नहीं हुई थी. विभाग का पहला कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना मिलावट के अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ निर्माण और समाप्ति की तारीख पर मुद्रित हो, इसलिए अगले कुछ दिनों में आकस्मिक यात्राओं को बढ़ाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि चेकिंग बढ़ाई जानी चाहिए. साथ ही नागपुर संभाग के कई जिले अन्य राज्यों से लगते हैं. महाराष्ट्र में प्रतिबंधित कई वस्तुओं का आयात और निर्यात यहाँ होने की संभावना है, इसलिए सुगंधित तंबाकू सुपारी के प्रति जागरूकता होनी चाहिए. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं और खर्रा और मावा में सुगंधित तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर कार्रवाई करनी चाहिए. साधारणतः कोरोना झाल्यानंतर म्युकरमायकोसिस हा एक म्हणजे त्याला ब्लॅक फंगस आपण ज्याला म्हणतो तो रोग त्या ठिकाणी आलेला होता आणि कोरोनापेक्षा सुद्धा मृत्यूचं प्रमाण म्युकरमायकोसिसमध्ये हे दुर्दैवाने जास्त होतं. कोरोना झाल्यानंतर जे रुग्ण जास्तीत जास्त आय सी यूमध्ये राहिले, ज्यांना जास्तीत जास्त ऑक्सिजन देण्याचं काम त्या ठिकाणी पडलं, त्याचप्रमाणे ज्या कोरोना झालेल्या रुग्णांना डायबिटीज होता, ब्लड प्रेशर होतं किंवा इतर तत्सम व्याधी होत्या अशा लोकांना हा म्युकरमायकोसिस हा मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी झाला, ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी आहे. आणि म्युकरमायकोसिस झाल्यानंतर त्यासाठी लागणारं ॲम्प्युटेरिसिन बी हे इंजेक्शनसुद्धा आपल्याकडे सुरुवातीकडे त्या ठिकाणी सुरुवातीच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी उपलब्ध नव्हतं, त्याची किंमतसुद्धा त्या ठिकाणी जास्त होती. त्यामुळं कोरोना झाल्यानंतर त्याच्या जे साईड इफेक्ट्स आहेत, ज्याचा कोरोना झाल्यानंतर साधारणतः म्युकोरमायकोसिस किंवा तत्सम व्याधी हे त्या ठिकाणी होतात किंवा इतर व्याधी जे होतात या संदर्भातसुद्धा अनेक डॉक्टरांनी किंवा अनेक संस्थांनी या संदर्भातले वेगवेगळे निकष त्या ठिकाणी निष्कर्ष त्या ठिकाणी काढलेले आहेत. प्रत्येक जिले में निवारक प्रचार और बैठकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए. उन्होंने दूध में मिलावट पर भी मार्गदर्शन किया. दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की जांच तेज करने को कहा. साथ ही यह भी कहा कि औषधि प्रशासन विभाग को मेडिकल स्टोर का नियमित निरीक्षण करना चाहिए. मेडिकल स्टोर को डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा देने से रोकना चाहिए और अगर ऐसी दवाई आसानी से उपलब्ध होती है तो चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. इस बार उन्होंने संकेत दिया कि विभाग में कम मैन पावर की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम इस विभाग में बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं. तो स्टेन होता तो सरल होता थोड़क्यात म्हणजे, पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमधला जो आहे तो अनेक प्रकारचं त्या ठिकाणी आपलं रूप बदलणारा तो त्या ठिकाणी होता. आणि म्हणून फुफ्फुसच नाही तर शरीरातल्या अनेक ऑर्गन्सवर त्या ठिकाणी आघात करणारा हा दुसऱ्या लाटेमधला स्टेन त्या ठिकाणी होता हे सगळ्या शास्त्रज्ञांनी आता जवळपास त्या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे आता कोरोना झाल्यानंतर बरा झाल्यानंतरसुद्धा अनेक लोकांना हार्टचा प्रॉब्लेम तयार झाले, इतर प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत. त्यामुळं ह्या सगळे जे साईड इफेक्ट्स कोरोनाचे आहेत ते वेगवेगळ्या माध्यमांना त्या ठिकाणी दिसून राहिलेले आहेत. बैठक की अध्यक्षता नागपुर मंडल के संयुक्त आयुक्त AR वनी, चंद्रपुर सहायक आयुक्त नितिन मोहिते, भंडारा गढ़चिरौली के AP देशपांडे, सहायक आयुक्त चिकित्सा विभाग नागपुर M बल्लाल, चंद्रपुर UG वागमारे सहित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर.